लो जी, ये हमारा मिक्स कुलचा तैयार होने जा रहा है, जिसमें सारी सब्जियां मिक्स डाली जा रही हैं। लो जी। अच्छा, इसमें कौन भी डलेगा? हाँ जी। वाह जी वाह, मटर भी, क्या बात है, गार्लिक भी आ गई इसमें। ये हमारा अब फिलिंग होने जा रही है, जो आपको दिखाया गया कि ये मिक्स सब्जियां और मसाले मिक्स किए हैं। ये अब जाएंगे वो सात लेयर वाला जो मैदा है उसके अंदर। लो जी। अच्छा, बाऊजी का स्टाइल बड़ा प्यारा, पहले लड्डू सा बना के रखते हैं मैदे के ऊपर, फिर उसको फिलिंग का पूरा टेस्ट देते हैं। अरे यार भाई साहब, अब तो वेट भी नहीं की जा रही यार, मजा आ गया, मेकिंग दिखाते दिखाते ही मुंह में पानी। अब ये इसके ऊपर और बटर, ये 12। अच्छा, इसके ऊपर भी? हाँ जी। ओ वाह जी वाह। एक आप चीज मैं थोड़ी सी दिखा दूं आपको, इसके अंदर ज्यादा मसाले डाले हुए हैं, जिसकी टॉपिंग ज्यादा की गई है ना ऊपर, उसके अंदर मसाले इतने ज्यादा नहीं डाले गए, उसके अंदर सिर्फ सब्जियों और नमक ही मिक्स है। लो जी, ऊपर से बारिश हो रही है फिर से आलू भुजिया की, क्या बात है जी। लो जी, ये आ गया अगले स्टेप पे। अब आपको एक बार मैं फिर तो दिखा दूं कि जो मिक्स वाले, मिक्स वेज वाले कुलचे लगाने वाले हैं हमारे भैया, जो उसके अंदर फिलिंग गई है वो है थोड़े से मसाले तेज वाला, जो उसके ऊपर भी टॉपिंग की गई है, आप देख सकते हो ये सारी टॉपिंग उसके ऊपर की गई है, उसमें इतने मसाले नहीं डाले गए। लो जी, एक बार फिर थोड़ा सा मैं बोलूँगा, और लो जी बटर, बटर की तो मतलब ना यहाँ पे बारिश है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे हमें अमृतसरी नान बटर वाले मिल रहे हैं या बटर मिल रहा है अमृतसरी नान वाला, मतलब इतना बटर यार, क्या बात है। अच्छा, फिलिंग की और टॉपिंग की तो अब क्या ही बात करूं, मतलब किसी चीज़ की कंजूसी नहीं की जा रही यहाँ पे। माय गॉड, मज़ा आ गया यार। इसका रेट क्या रहेगा मिक्स वेज का? 80 रुपये। 80 रुपये का नान सिर्फ, इन्हें सब्जियाँ पा के। तो ये जा चुका है हमारा नान तंदूर में, अब कैमरा वहाँ तक ये देख सकते हो आप, तो मैं आप नान लगता है तो आपको दिखा। आज लेके आया आपके लिए अमृतसर का चस्का। अमृतसर का चस्का है जलंधर में, आप देख सकते हो मेरी बैक साइड पे बोर्ड, और ये है इनकी शॉप। यहाँ पे बनाए जाते हैं यार कमाल के अमृतसरी कुलचे, भीगा कुलचा और मट्ठी छोले। अमृतसर की स्पेशलिटी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यार ये ऑनर से लेके वर्कर तक पूरी टीम आती है अमृतसर से, डेली अप डाउन करती है, और जितनी तरह के मसाले और जितनी तरह की रेसिपी मैंने यहाँ पे देखी है ना, मैंने कहीं और नहीं देखी थी आज तक, और दिल के आपके लिए लेके आए। तो चलते हैं अंदर, करते हैं सारी डिटेल में बात। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये है ऑफिस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर का मेन ऑफिस है, जिसके बिल्कुल बाहर आपको मिलेगा अमृतसर का चस्का, मज़ेदार खाना, 50 रुपये से शुरू होकर 120 रुपये तक नान मिलेंगे और कुलचे अमृतसरी मिलेंगे आपको यहाँ खाने के लिए। चलते हैं अंदर, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और यहाँ की स्पेशलिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ, मसाले और बंदे दोनों अमृतसर से। तो यार ये यहाँ के मैनेजर हैं जो सारा काम संभालते हैं, सही बात है जी? बिल्कुल ठीक है। एक मेरे को ये बात बताओ, मैंने अपने दोस्तों को अंदर आने से पहले ये बताया था कि आप सारी टीम अमृतसर से हो। अमृतसर, मालिक से लेके सारी टीम? बिल्कुल टोटल। ऑनर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उनसे भी जरूर बात करते हैं कि अमृतसर से यहाँ कैसे आना हो गया, इनसे पूछते हैं अमृतसर से यहाँ आना स्पेशल कैसे। बस किसी ने ख्वाहिश की कि चलो अमृतसर, जलंधर, जलंधर, तो मैं कहा चलो चलने हैं जी। बड़ी जगह से काम किया मैं, बॉम्बे, कलकत्ता, क्या बात है, बांद्रा, कलकत्ता, राजस्थान, उस तो बाद जयपुर, फिर की ना दा। कितनी देर का एक्सपीरियंस है आपको ये सारे काम का? तकरीबन जिस तक मेरा ख्याल है, जब मैं 12 साल का या 14 साल का, अज तक मैं कुलचे ही लांदा आ रहा हूँ। कितनी उम्र होगी थोड़ी? मेरा ख्याल है 54-55 साल की उम्र होगी। मतलब 40 साल हो गए तकरीबन? हो गए 40 साल। 40 साल हो गए इनको अमृतसरी कुलचे और अमृतसरी नान बनाते हुए। कुछ लोग इसका, इसको नान प्रोनाउंस करते हैं, कुछ कुलचा। बिल्कुल। ते नान और कुलचा में फर्क क्या है बेसिकली? अमृतसर दे जड़े लोकी निवासी जड़े रहन वाले ना, अमृतसर के ओन नान नु अही कुलचे नु कुलचा ही बोलने आ। अमृतसर जो बाहर निकल दिया ना, ऐसे कुलचे नु दुनिया नान कहना शुरू कर दी। मतलब आइटम सेम है, जो अमृतसर में रहते हैं वो कुलचा बोलते हैं, अमृतसर से बाहर निकल जाओ तो नान बोलते हैं। अमृतसर कुलचा। अमृतसर की क्या क्या स्पेशल आइटम आप हमें जलंधर वासियों को खिलाने के लिए लेके आए हो? अमृतसर में, अमृतसर से ये जलंधर के लिए अमृतसरी कुलचे है मेरे पास। पहले तो अमृतसरी कुलचे है ही, उसमें मैं वैरायटी दिखाता हूँ, बाकी अगली बात थोड़ा सा रोकते हैं। देख सकते हो आप, मतलब गाजर, गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो इतनी वैरायटी के अमृतसरी नान मैंने तो कभी देखे नहीं है।
मुझे तो आज पहली बार देखने को मिले और मेरा दिल किया कि आपके लिए लेके आऊँ। अपनी स्टार्टिंग रेंज कहाँ से हो जाती है? यही 50 रुपए से शुरू। 50 रुपए से शुरू, 120 खत्म। 120 रुपए तक, 50 रुपए से लेके 120 रुपए तक सिर्फ नान ही नान है इनके पास। और मट्टी छोले भी देख, मट्टी छोले भी है मेरे पास, भीगा कुलचा भी है मेरे पास। तीन वैरायटी तो मैंने देख ली भाई। और जो एक मैं थोड़ा सा मेन्यू इनका दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है आलू कुलचा, गोभी कुलचा, अनियन कुलचा, मसाला कुलचा, मटर मशरूम, मिक्स वेज, मूंग दाल का कुलचा। ये क्या है जी, मूंग दाल का कुलचा, मतलब गार्लिक कुलचा। ये मूंग दाल का कुलचा कौन सा होता है? गार्लिंग, गार्लिक नान ये हो गया। ठीक है जी, मूंगी दाल मेरे को है कि नहीं जी। अच्छा जी, अभी मूंगी दाल जड़ी आंदी ना, हल्दी रांदी मूंगी दाल, मूंगी दाल जो वो होता है भुजिया होता है खाने के लिए, उसका कुलचा, उसका कुलचा। यार कमाल है, मतलब इतनी वैरायटी यार, आज आने वाला मजा। ये है इनका भीगा कुलचा और ये है इनके मट्ठी छोले। इसमें जो चटनियां डाली जाती है ना, वो नान की चटनी से अलग चटनियां हैं। इसमें मिर्ची वाली भी और लाल भी दोनों डाली जाती हैं, इन दोनों में मजेदार। लो जी, सबसे पहले आपको चूर चूर नान की, ये जो मैदा है, हाँ जी, ये जो मैदा है ये 7 परतों में बनाया गया। एक बार मैं आपको बोलूंगा, स्टार्टिंग में दिखाएंगे, जो फ्रिज में पड़ा मैंने देखा था कि ये जो इन्होंने ना रॉ तैयार किया होता है, ये देखो ये 7 परतों में तैयार किया गया है। इसका पेड़ा ये बनता है, जिसको हम लच्छे वाला वो नाम भी कह देते हैं। इनके लच्छे इन्होंने पहले से बना रखे होते हैं, तो क्या ही बात है यार। तो ये इसमें अब गया मक्खन, बता दो अंकल जी, साथ साथ मक्खन जी, मक्खन। मक्खन कौन सा यूज करते हो जी? अमूल, अमूल ही यूज करते हो बस। तो ये इसमें गया मक्खन और लो जी, ये बन रहा है हमारा चूर चूर नान। ये इसकी लेरे बन गई हैं जो लच्छे की बनती हैं। अच्छा, जितना स्पाइसी आप चाहते हो उतना भी हो जाएगा, अगर मिर्ची ज्यादा डालना चाहता है कोई तो वो भी डल जाएगी। नॉर्मल स्पाइसी, जैसा किसी को खाना है। तो ये हमारा हो गया चूर चूर नान तैयार जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये इनके सीक्रेट रेसिपी के साथ आलू और सब्जियां जो भी मैश करके तैयार किया जाता है, ये इनका सारा वो मटेरियल है। ये कसूरी मेथी है क्या? ये 12 मसाले, 12 मसाले मिक्स है इसमें। हाँ जी। वाह, ये लगेंगे इसके ऊपर भी अभी। हाँ जी, 12 मसाले मिक्स है इसमें जो मैंने आपको दिखाया। ये दोनों इनके सीक्रेट है, ये और ये इसकी खासियत है और ये भाऊजी की खासियत है, ये जो किसको खास बनाते हैं। ये ऊपर फिर मक्खन। हाँ जी, लो जी ये लगे 12 मसाले ऊपर। क्या हुआ भाई, ये आलू भुजिया है इसमें, इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ये भी लगेगा। लगेगा, लगेगा। ये चूर चूर, ये चूर चूर नान है। भाई ने मक्खन और लगा दिया, आप देख रहे हो जैसे। क्या बात है यार, क्या बात है, देखते देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और किस किस के आ रहा है वो भी कमेंट करके अभी जरूर बताओ यार, कि मेकिंग देखते देखते ही किसके मुंह में पानी आ रहा है यार। क्या बात है, क्या बात है, मक्खन और। वो हमारे लग रहे हैं एक मिक्स वेज कुलचा और एक चूर चूर नान, ये लगे हुए हैं तंदूर में। लो जी ये तैयार हो गया हमारा अब मिक्स वेज। क्या बात है, इसमें भी बटर की बारिश कर दी गई है। अच्छा, इसमें पनीर भी डलेगा। क्या बात है यार, ओ माई गॉड। ये चूर चूर नान हमारा आया है तंदूर से बाहर, ये चूर चूर नान है ना। लो जी उस्ताद जी अब बनाएंगे इसको और चूर चूर। क्या बात है यार, बटर, ये मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये नहीं समझ आ रही कि अमृतसरी नान बटर लगा के खाएंगे या बटर वाला अमृतसरी नान खाएंगे। ओहो, क्या बात है यार, ये सारा बटर सिर्फ एक नान के लिए है। और इसका प्राइस क्या है? 90 रुपए का।
तो जी नान हमारे आ चुके हैं यार, जैसे कि आपको मैं सारी मेकिंग भी दिखा चुका हूँ। तो ये जैसे जो पैक है ना एक पोटली में, ये है इनका चूर चूर नान, चूर चूर नान जो कि बटर से पूरा इन्होंने भिगो दिया था, तो इसको कहते हैं जी सही चूर चूर नान। मतलब आज तक मुझे भी नहीं पता था कि चूर चूर करना इसको कहते हैं, ये होता है चूर चूर नान जी। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा था कि ऐसे कर दिया तो वो चूर चूर बन गया, लेकिन ये है असली चूर चूर नान। आज आपको दिखाने आए हैं सही अमृतसरी कुलचा और नान, और इसमें भी देख सकते हो बटर ऊपर तैर रहा है, मतलब एंड ये मिक्स वेज है। सबसे पहले बाइट लेते हैं चूर चूर नान की, जिसके लिए वेट तो की नहीं जा रही। क्या ही क्रंची क्रिस्पी कुलचा है यार, गर्मा गर्म। इनके चने देखो, सबसे पहले क्वालिटी देखो कि ना तो ज्यादा ग्रेवी है इसमें और ना ही ज्यादा सूखे हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिटी के साथ। मैं थोड़ा सा भैया को बोलूंगा जरा एक बार छोले दिखाएंगे, और एक ये बाइट हम लेते हैं। क्या ही लाजवाब बाइट है यार, आज नहीं बोलूंगा, आज सिर्फ खाऊंगा। एक बाइट और, रियल अमृतसर टेस्ट एंड मजेदार। इनके जो मसाले आते हैं ना वो भी अमृतसर से ही आते हैं, बंदे तो अमृतसर से आते ही आते हैं। क्या लाजवाब स्वाद है यार, इसी को फिनिश करने का मन कर रहा है पहले तो फिर अगले टेस्ट पे जाऊं, बट इसको छोड़ते हैं और चलते हैं अगली वैरायटी पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या ही इस पे बटर, देखो आप, मतलब बटर तो पूरा ऐसे जैसे समंदर डाल दिया बटर का। तो एक बाइट लेते हैं, क्या वेजिटेबल्स की ऊपर भी टॉपिंग और अंदर भी फिनिश पूरी, मतलब एंड। एक बाइट लेते हैं इसकी भी, खत्म, दुनिया खत्म। रुको जरा, सबर करो, क्या कमाल है यार, क्या वर्ड्स में मैं इसकी तारीफ करूं। वर्ड्स के लिए, अगर इसके लिए, इसकी तारीफ के लिए वर्ड्स बने हैं ना, तो शायद ये नान फेल है। मतलब इतना टेस्टी नान, एक एक सब्जी का स्वाद मुंह में ऐसे आ रहा है, गाजर का, कॉर्न्स का, आप देख सकते हो यार, लाजवाब, क्या ही बात है। अब यार एक बार भाई के रिव्यू पे यकीन रखते हो ना, मस्ट विजिट करना। ये लोकेशन पड़ती है जलंधर में, कंपनी बाग चौक है, बिल्कुल उसके सेंटर में, अमृतसर दा चस्का। लाजवाब, शानदार, मजेदार स्वाद यहाँ पे आने वाला है आपको, आप भूल जाओगे बाहर के नान कभी एक बार ये नान खा लिया तो। अमृतसर जाने की जरूरत नहीं है अमृतसरी कुलचा खाने के लिए, अब मिलेगा आपको जलंधर में। ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, फॉलो भी करना मत भूलना यार, भाई लोग आपके लिए खा रहे हैं ये खाना और आपके लिए अच्छा अच्छा फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज तो इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।